एक और वीकेंड, पुणे में नए प्लेसेस देखने के लिए एक और दिन। कल रात मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था कि मैं इस वीकेंड कौन से प्लेसेस पर जा सकता हूँ। मैंने पार्वती हिल पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन ये मेरे घर से बहुत दूर है, इसलिए मैं जाने में थोड़ा स्केप्टिकल था। आज सुबह यहाँ मेरे एक दोस्त ने फोन किया और कहा कि वो फ्री है और हम कहीं बाहर जा सकते हैं। जल्दी से तैयार होकर जो हमने मिलने की प्लेस डिसाइड की थी, इस जगह पर मैं मेरे फ्रेंड से मिला। दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे और क्योंकि हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमने कैंप एरिया में ईस्ट स्ट्रीट बर्गर रेस्टोरेंट पर जाने का फैसला किया। उनके बर्गर यहाँ पुणे में बहुत फेमस है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम उधर रश देखकर शॉक हो गए। हमें काउंटर तक पहुँचने और ऑर्डर प्लेस करने में 15 मिनट लग गए और वो ऑर्डर मिलने में और 30 मिनट लग गए। हमने पनीर बर्गर, चीज फिंगर्स और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। सब टेस्ट वाइज ठीक ठाक था, लेकिन बहुत हैवी होने के कारण अगले 6-7 घंटों के लिए काफी था। फिर हमने पार्वती हिल जाने का डिसाइड किया। पार्वती हिल सी लेवल से अप्रॉक्स 2100 फीट ऊपर है। हिल के ऊपर पार्वती मंदिर है, जो पुणे के सबसे सुंदर प्लेसेस और ओल्डेस्ट हेरिटेज स्ट्रक्चर में से एक है। इसे पेशवा डायनेस्टी के रूल के दौरान बनाया गया था। पार्वती हिल पुणे स्टेशन से अप्रॉक्स 7 किलोमीटर और स्वर्गीय बस स्टॉप से अप्रॉक्स 2-3 किलोमीटर दूर है। ये पुणे में वेटल हिल के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और हिल के ऊपर तक जाने के लिए अप्रॉक्स 100 स्टेप्स है। ऐसा माना जाता है कि ये हिल स्वामित्व तवारे नामक पाटिल के पास था और पेशवा ने शिव का मंदिर बनाने के लिए ये हिल खरीदा था। माना जाता है कि देवी मंदिर तवारे के कुल स्वामी का था, जिनके अंगारा पेशवा बालाजी बाजीराव की माँ काशीबाई के पैर की बीमारी को ठीक करने में सक्षम था। पार्वती हिल पर एंशंट देव देवेश्वर मंदिर है, जो 250 वर्ष से अधिक पुराना है। मुख्य मंदिर देव देवेश्वर काले पत्थर से बना है। ये 1749 में बालाजी बाजीराव के रूल में पूरा हुआ और 1760 में मंदिर में एक सोने का शिखर जोड़ा गया। यहाँ आपको 4 और मंदिर भी मिलेंगे, जो कार्तिकेय, राम, विष्णु और विठल को समर्पित हैं। इस मंदिर परिसर में कई लोग भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्वती हिल पेशवा रूलर्स के लिए एकमात्र पूजा का स्थल था। मंदिर के अलावा यहाँ पेशवा म्यूजियम भी स्थित है। म्यूजियम में ओल्ड वेपन्स, जॉइंट्स, यूटेंसिल्स, लकड़ी के फर्नीचर, पालकी, उस युग की पेंटिंग और पेशवाओं के समय में माइल हुए गिफ्ट्स रखे गए हैं। यहाँ का म्यूजियम पेशवा डायनेस्टी का एक रिमाइंडर है। पार्वती हिल पर सुबह की जॉगिंग और ट्रैकिंग फेमस है। आप ऊपर से पुणे के शानदार व्यू का आनंद ले सकते हैं और कुछ शानदार फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहां आसानी से 2-3 घंटे बिता सकते हैं। पार्वती हिल मंदिर परिसर मराठा इतिहास और पेशवा डायनेस्टी का एक हिस्सा है। पार्वती हिल पर एंट्री फ्री है। हालांकि अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हैं तो यहां आपको पर हेड 20 रुपीस की एंट्री फी है। आप शाम को बस सीढ़ियों से ऊपर बैठकर ऊपर से शहर ब्यूटीफुल व्यूज और सनसेट देख सकते हैं। यहां शहर के सभी हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पार्वती हिल विजिटर्स के लिए एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो पूरे सिटी का पैनोरामिक व्यू देता है। पुणे में पार्वती हिल साल भर खुला रहता है। आप शांति और ताजी हवा पाने के लिए दिन में किसी भी समय यहां जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।